उधर है, खाली हो गई, शाबाश पानी पिया कर। तो ये बोतल है, यदि हमें ये कहाँ से लेनी हो, ठेले से लेनी हो किसी से पानी की बोतल, तो कितने की मिलेगी? 20 रुपए की। 15-20 रुपए की मिलेगी, यस और नो? पीछे। और यदि यही बोतल हमें कहाँ से लेनी हो, रेस्टोरेंट से लेनी हो, तो कितने की मिलेगी? 40-50 की। और यही हमें यदि किसी 3-स्टार होटल से लेनी हो तो कितने की मिलेगी? 100-200 रुपए की। और यदि यही बोतल हमें कहाँ से 5-स्टार होटल से लेनी होगी तो कितने की मिलेगी? 500-700 की मिलेगी। 7-स्टार से 1000 की मिलेगी। होगी, बोतल भी वही है, प्लास्टिक भी वही है और पानी भी लगभग वही है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई क्योंकि उसका क्या एनवायरमेंट बदल गया। पहले वो ठेले पे रखी थी, अब वो कहाँ है, अब होटल में रखी है। तो एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे घर का हो, कहीं का भी हो। अब क्लास में, आपकी क्लास में बहुत गंदा एनवायरमेंट है, मतलब सर आते हैं, सर की सुनी नहीं जाती है, बदतमीजी से बात की जाती है, सर ने बोला है राहुल खड़ा हो जा, क्या है सर, हम क्यों, ये भी तो है तुरंत, तो कहाँ से पढ़ पाओगे? मन नहीं लगेगा पढ़ने में, और जो पढ़ने का इच्छुक भी होगा वो भी फिर नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, स्टडी एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, और उसी से आपकी कीमत बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप घर में अच्छा रहोगे तो स्कूल में भी अच्छा रखोगे, जब स्कूल में अच्छा रहोगे तो आगे कहीं जॉब करोगे, वहां भी अच्छा एनवायरमेंट बनाओगे, और ये आपकी आदत में आएगा और आपकी लाइफ बेहतर बन जाएगी।